सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी को मेरा सत श्री अकाल, राम राम, दुआ सलाम। बाकी अभी हम निकल रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ पोंटा साइड के लिए। बड़े टाइम से सोच रहा था कि जाऊँगा, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल जाते ही मैंने मैंने RT-PCR का टेस्ट करवाया है। रात को मेरे को रिपोर्ट आ गई थी उसकी, नेगेटिव की। बाकी रिपोर्ट दिखाना वहाँ पे ज़रूरी है। रिपोर्ट या आपके पास दोनों डोजेज होना ज़रूरी है कि आपने दोनों डोजेज लगा रखी है। तो दोनों डोजेज तो मेरे को लगी नहीं है अभी, तो मैंने RT-PCR करवा लिया है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 4:30, और मैंने क्या क्या तैयारी करी है। मैंने तैयारी ज़्यादा कुछ करी नहीं है, आपने थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स रखे हैं जो ज़रूरी हैं। बाकी एक ये हेलमेट रेडी है माउंट के साथ, जिस पर GoPro लगेगा, ये पूरा मैंने तैयार कर लिया है। राइडिंग जैकेट मैंने रख ली है, राइडिंग जैकेट पहन के दिखाता हूँ आपको। बंदा ज़रा पकड़ोगे ही, ऐसे ही पकड़ना। ये राइडिंग जैकेट मैंने आपको दिखाई नहीं थी मेरी, तो ये राइडिंग जैकेट ले लिया हमने। जितनी भी राइडिंग होगी वो इसी पे ही होगी सारी की सारी। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मेरे को लगता है कि ज़्यादा सही से दिख नहीं रही होगी आपको, पूरे गार्ड्स के साथ है। तो बस निकलने की तैयारी है, और वरना भी बेचारी सुबह सुबह मेरे साथ परेशान हो चुकी है, वो अपना लगी हुई है। बाकी अब निकलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। मेरे को एक ही दिन में अप डाउन करना है टोटल 500 किलोमीटर्स के आसपास, और देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने। बीच में मिलता हूँ आपको। सो अब हम निकल चुके हैं अपने घर से। अभी मैं, मेरे पास रिपोर्ट तो ऑनलाइन है PDF में, फिर भी यहाँ पर जो मैंने जिससे करवाई है वो 24/7 खुला रहता है। तो देखता हूँ जिससे रिपोर्ट कलेक्ट करता हूँ, अगर अभी मिल सकी तो। और निकलते हैं, अभी मैं जेल रोड पे हूँ, मेरे को बाहर निकलते बहुत टाइम लग जाएगा। अब कोशिश है कि जल्दी से जल्दी निकलूँ, जल्दी पहुँचूँगा ताकि तभी जल्दी निकल पाऊँगा वो आपसे। बाकी देखते हैं आपको व्यू कैसा, मतलब सामने रोड साफ दिख रही है नहीं दिख रही, वो मेरे को भी मैं डाउट में हूँ। मैं तो ये रुक कर ही देखूँगा, क्योंकि जैसा कि आप, मेरे को भी पता कि मैंने पहली बार माउंट करा है अपना GoPro। मैंने बाइकिंग बहुत करी है, मैं पोंटा साहब गया हूँ, हेमकुंड साहब गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ जैसे पहले भी बताया, पर मैं व्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ। इसकी मतलब कि पहली बार इन द सेंस कि मैं अपना 2-व्हीलर पे पहली बार व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मेरे पास जहाँ कौन मेरी धन्नो, मेरी धन्नो जा रही है। बाकी जल्दी से जल्दी निकलते हैं इधर से। तो फाइनली अपनी रिपोर्ट आ चुकी है, हम निकलने की तैयारी है। थैंक यू। तो रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है मैंने, सॉफ्ट कॉपी थी पर मैंने सोचा रिस्क क्या लूँ, हार्ड कॉपी ले ही लेता हूँ, 24/7 खुला है तो। बाकी निकलते हैं, ये मेरी धन्नो। बाकी चलो आगे मिलते हैं, अब सीधा हाईवे पे मिलते हैं। ये बीच में कुछ आता तो दिखाता हूँ, साथ चलो आप भी हमारे घूमने। जय गुरुजी, गुरुजी अनुसार।
सुखदेव ढाबा पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा है, पराठा और मैंने कुछ चाय ऑर्डर करी है, तो यहाँ से जल्दी से खाऊंगा आके, लेकिन पति मिलता हूँ आपको, दिखाता हूँ क्या क्या ऑर्डर करा है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ और आऊँगा। सो हमारा पराठा आ चुका है और चाय आ चुकी है, जल्दी से इसको खाते हैं और निकलते हैं फिर आगे की तरफ। तो अभी हम सुखदेव से निकलने लगे हैं और हमारे को कुछ राइटर भाई मिले हैं, ये रोहित है, इनका अपना खुद का चैनल है, क्या नेम है आपके चैनल बाइकर बॉय रोहित, और इनको भाई को भी सब्सक्राइब करो और हमारे भाई को भी सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं हमारे भाई। ये अभी जम्मू जा रहे हैं और ये सारे चार जने हैं, ये चारों के चारों जा रहे हैं। भाई आपका नेम क्या है? विकास मौर्य। ये विकास जी हैं, ये सुमित है, और आपका सचिन। सचिन, तो ये भाई का चैनल है, ज़रूर लाइक करो इनको, इनको इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ा देखा करो, और भाई को भी हमारे सब्सक्राइब करो, हमारे भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्कूटी पे लॉन्ग ट्रिप्स करना कोई इजी बात नहीं होती है, ट्राई तो, अब शुरू करा है, ट्राई कर रहे हैं, तो भाई को भी सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाओ भाई के लिए भी और हमारे लिए भी थोड़ा बहुत, बस आप लोगों का प्यार ही चाहिए, बाकी फिर जर्नी आराम से जाना आपको भी। तो मिलते हैं अब स्कूटी पे सीधा रेडी होके। तो अब हम अंदर मुड़ गए हैं यमुनानगर की तरफ। ये लेमन सोडा पीने के लिए रुका हुआ, ये बड़ी मेरे को पीछे भी रेहड़ी दिखी थी, ऐसा दिखा था स्टॉल, पर उस टाइम कोई था नहीं, उस पर सुबह सुबह का टाइम था, खाली थे वो, तो सोचा आप एक बार ट्राई करके देखते हैं। नॉर्मल आइस रखना। इस जगह का नाम क्या है? प्रताप नगर। प्रताप नगर। और यहाँ से पॉइंटा साहब कितनी दूर पड़ेगा, कितनी देर लगेगी? 30 किलोमीटर। एक घंटा लगेगा? ओ भाई अरे, अब देखते हैं भैया क्या चलाते हैं, क्या ये प्रेशर वाली मशीन है? ये क्या मीठा? डाला है हमारे दिल्ली में, पहले मिला करती थी, अब नहीं मिलती है, मिलती होगी किसी नॉर्मल इलाकों में मिलती होगी, इधर हमारे उधर नहीं मिलती, बाकी मिलते हैं पीकर फिर से, एक बार दिखा देते हैं कैसे बन रही है, ये बन गई, चलो मिलते हैं फिर। कोल्ड ड्रिंक एक नंबर थी, अब भैया जी को पैसे दे दिए जाए, 20 रुपीस की ड्रिंक थी, और ऐसा टाइम पे ना पीते रहो कुछ ना कुछ, गर्मी बहुत ज़्यादा है ऐसे। ये लो भैया जी, अच्छा था, अच्छी बनाई थी, थैंक यू, वेलकम।
सो फाइनली पांटा साहब गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं। ये रहा सामने गुरुद्वारा, अब पार्किंग करते हैं और जाते हैं अंदर मत्था टेक। फिर यहाँ से आपको एक और जगह दिखाने की कोशिश करूँगा अगर उधर जा सका तो। वैसे कोशिश तो यही है जाना है उधर, ये रहा गुरुद्वारा। गुरुद्वारे के पास पहुंच चुके हैं, अब अंदर चलते हैं। हम बाहर आ गए हैं गुरुद्वारे के, ये पूरा गुरुद्वारा। यहाँ पे लंगर हॉल था पहले, मे बी इधर बन रहा है नया, तो देखते हैं। अगर लंगर छकने का मौका मिला तो ज़रूर लंगर भी छकूँगा। बाकी देखता हूँ ये जैकेट अगर रखवा सकता हूँ उसी नंबर पे तो रखवाता हूँ हेलमेट के साथ, क्योंकि जैकेट कैरी करना बहुत मुश्किल है इस वक्त मेरे लिए, बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है। प्रसाद छकने जा रहे हैं, देखते हैं अंदर अलाउड हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये देखो नजारे,
ये है नज़ारे। तो ये मैं दूसरी तरफ आया हूँ, हम अगर देहरादून की तरफ से आते हैं तो उस तरफ से आना होता है। अगर मैं नहाया हुआ गुरुद्वारे की उस तरफ, अभी बारिश हुई है तो पानी ज़्यादा है, नहीं तो इस तरफ पानी नहीं होता, उस तरफ ही होता लगता है, इस तरफ पानी नहीं होता। कितना सही लग रहा है, चेक करो कि डैम बना रखा है इन्होंने, मुझे पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, पेपर पाए थे तो पेपर के बस छोड़ दिया। अभी मैं यहीं से वापस ही जाऊँगा तो मेरे को फिर से चेक कर रोके नहीं तो जान पर लिया ही होगा। अभी ये पुल किस तरफ शिमला होगा, शिमला मतलब हिमाचल की पुलिस वहाँ पर खड़ी है, इस तरफ ये उत्तराखंड की पुलिस है, तो दोनों ही चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाने के लिए लाया हूँ बस। ये चेक करो, ये आ गया डैम, थोड़ा सही बना हुआ है। मैं और गुरबख जब आया करते थे यहाँ पे, हम 3-4 बार आ चुके हैं बाइक पे, तो यहाँ पर ज़रूर आते थे। यहाँ पे आगे जाके ना एक कैफे टाइप या एक छोटी शॉप बनी हुई है, वहाँ पे हम बैठ के आराम से बातें बातें करते थे, कोल्ड ड्रिंक पीनी, फिर उसके बाद निकलना। उस टाइम बाइक होती थी, थोड़ा लेट निकलने का प्लान होता था कि आराम से निकलेंगे। अब बाइक नहीं, अब स्कूटी है, और अब सोलो कर रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिंगल जो लेन है रोड है मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है, उसको मैं अंधेरा नहीं करना। बाइक होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी ये देखिए बंदर का बंदर भी खोल पाते हैं। कैसा लगा डैम? कैसा लगा डैम ज़रूर बताना। ये देखो कितनी तेज पानी का बहाव है, हमने उस तरफ वापस जाना है क्योंकि हम जिस रास्ते से आए तो उसी रास्ते से निकलेंगे, कोशिश यही है कि उसी रास्ते से जाए। बाकी चलो मिलते हैं, देखते हैं आगे कुछ दिखाने को होगा या फिर खाने वाली जगह पर सीधा रखूँगा अगर कहीं दिखा तो। ये आ रहा व्यू, तो व्यू चेक करो, इतना अच्छा व्यू लग रहा है। साथ में नहर और हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, बहुत ही एकदम लग रहा है। बाकी अगर दोबारा दिल्ली के लिए निकलना है तो फाइनली अब हाईवे पे आ चुके हैं, तो देखते हैं उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से निकलते से आए हैं। कोशिश तो यही है कि हमको पहले से पहले तो रुकते होते हैं, तो रुकना तो पड़ेगा बीच में कि आपको हमारा तो पानी पीते हुए चलेंगे या कुछ पीते हुए चलेंगे ताकि बॉडी ठीक हो। बंदा तो इतने टाइम से अपने उस पर टिके हुए हैं, अच्छी बात है, ऐसे ही टिके रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके लिए भी कानून वानून निकले ताकि ये जो भी अपने घर जाए अपने घर जाए अपने मोबाइल अपने जाए। अगर निकल जाता है
ये देखो कहाँ तक घुस गए हैं, प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रही है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग। समझ नहीं आ रहा जाना किस तरफ है, लोगों को फॉलो करते 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 पीछे तक काफ़ी पीछे पीछे आ गए। देखते हैं, लग तो रैकेट थोड़ा ठीक है। ये देखो, ओ भाई क्या, ये देखो, ओ कितनी गंदी ऑफ रोडिंग है। तो फाइनली फिर से एक बार बाहर आ चुके हैं हाईवे पे, थोड़ी राहत की सांस ली है मैंने, हाथों की बैंड बच चुकी है, हाथ की हालत देखने लगे दूसरे के भी देखो, हाथ दर्द हो रहे हैं, बॉडी इतनी दर्द नहीं हो रही जितने हाथ दर्द हो रहे हैं, हाथ गंदे हो चुके हैं, मिलते नहीं लगा पा रहा, पसीना इतना निकलते निकलते बैंड बजा दी सब्जी में भाई, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। चलो अब आगे चलते हैं। सो फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, वंदना का इंतज़ार है, दरवाज़ा खोले बेल मारता हूँ, बेल नहीं मारी मैंने अब तक। वंदना को लगता है अब खोल रही है, बाकी फ्रेश होकर ना धोके फिर मिलता हूँ आप लोगों से। चेहरा बहुत पैड़ा हुआ हुआ है, हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ओए कैसा है पापा, कब आएंगे, कब आएंगे? पापा आ गए, सुबह से पूछ पूछ के दिमाग खराब है। सो शक्ल चेक करो मेरी, कितनी बैड़ी लग रही भैया, काला हो गया हूँ, हाथ तभी अभी बस धोए हैं, अब नहाने जा रहा हूँ, नहाकर फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मुँह भी धोता हूँ। सो फाइनली अब नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, डिनर कर लिया है, बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है, तो पहला एक्सपीरियंस था सोलो राइड का, तो बताना कि कैसा लगा आपको, और कमेंट ज़रूर करना अगर कुछ आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है वहाँ पर दिखाने में, कि आपको कोशिश करा पूरा घुमाने की। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, जिसने ये वीडियो यहाँ पूरी देखी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी, और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करो, बाकी शैतान पीछे आर्या वंशी सबको हेलो करी, हेलो। और पापा को मिस्सी करा आपने, वंश पापा को बहुत मिस्सी करता है, वंश पे को बार बार बोल रहा था पापा मेरे को साथ में लेकर चलो, मैंने बोला वंश अभी आप छोटे हो, आप बड़े हो जाओगे ना फिर लेकर चलूँगा, वंश को कहता है बाइक ले लो अब पापा, स्कूटी पे राइड मत करा करो। वंश कौन सी बाइक लूँ मैं, रेड कलर की, कौन सी, कैसे चलती है वो बाइक, बूम बूम करके चलती है। हाँ। कोई भी बाइक देखता है ना तो वो मेरे को कहता है कि ये पापा ये वाली बाइक लेना, तो देखते हैं आप लोगों का प्यार मिला तो ज़रूर बाइक लेंगे और आपको और भी जगह घुमाएंगे। तो अभी मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ, मे बी सून मैं एक राइड प्लान करूँगा और आपको अनटच्ड प्लेसेस में घुमाऊँगा, तो देखते हैं बाकी कैसा रहेगा, बाकी मिलते हैं आपको, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।